हमारे बच्चे EMC के बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम से पूरी तरह जुड़े हैं. अभी तक हमने जितनी भी टीम्स को देखा, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बच्चों के पास इतना पोटेंशियल है, दे कम अप विद सच ब्रिलियंट आइडियाज़. हमारे लिए भी ये चौंकाने वाला है कि बच्चों के लेवल पर से इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकल कर आ रही हैं. राउंड 3 का प्रोग्राम इस समय चल रहा है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है टीम्स का. अब हमें 100 टीम्स ओवरऑल दिल्ली से सेलेक्ट करके राउंड 3 के लिए रखनी है, और उसमें से 10 टीम्स आगे फाइनली सेलेक्ट होंगी जो कि अवार्डेड होंगी. मैं उस टाइम पे इतना सोच ही नहीं सकता था, ये बच्चे देर टू फास्ट फॉरवर्ड एंड उनको गाइडेंस के साथ उनके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, एंड दीज गाइज आर टू एनर्जेटिक एज पर एंटरप्रेन्योरशिप. बहुत ज़्यादा एनर्जी है, देर टू एनग्रॉस्ड, बहुत बूस्टेड हैं ये किड्स, एंड द वेरी लकी टू हैव समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैं बच्चों से मिला, उनकी एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा थी जो लिटरली हम अपने टाइम पे, मैं कॉलेज में भी नहीं सोच पाया था उतनी चीज़ें जितना ये लोगों ने एक्चुअली डेवलप करा. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे जाके क्वेश्चंस के आंसर दे के देन वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा लगा. उनसे मिलने के बाद तो मैंने देखा और एनर्जी की ज़रूरत है भाई, मतलब ये और भी आ रहे हैं, मेरे कंपेटिटर्स ही आ रहे हैं सारे. यहाँ बिजनेस ब्लास्टर के लिए हम आए हुए थे. यहाँ पे आने के बाद हमने अपना प्रोडक्ट दिखाया, सबको अच्छा लगा. हमें यहाँ पे आने के बाद हमें काफ़ी नई चीज़ जानने को मिली है. SERT की तरफ से हमारे पास एक ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम को. 3 आइडियाज़ वे सिलेक्टेड, और फाइनली उस 3 आइडियाज़ में से भी 2 आइडियाज़ जो है इस स्टेज तक पहुँच चुका है, राउंड 3 तक. अगर बिजनेस ब्लास्टर जैसा प्रोग्राम हमारे टाइम होता तो हम अपने कंट्री के लिए कहीं ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते और जॉब क्रिएट कर पाते. प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आगे डेफिनेटली अगर ये प्रोग्राम बनाया जाता है तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो जॉब नहीं मांगेंगे, जॉब देंगे.